शाह जंजानी का शाना जंजानी रावलपिंडी से आपसे मैं मुखातिब हूँ। मैं अपने एक खसूसी विजिट पे 9-22 मार्च रावलपिंडी मेरा कैम्प रहेगा और मेरे औकात मुलाकात शाम 3 से 5 बजे। आप जो नीचे नंबर आ रहा है, जो बहन भाई किसी भी रूहानी सिलसिले में रहनमई लेना चाहें वो टाइम लेके मिल सकते हैं। जश्न बहारा का महीना जारी है, जश्न बहारा आपको मुबारक हो। और आजकल किरान सादैन चल रहा है, ज़ोर और मुश्तरी का किरान शरफ ज़ोर आपको मुबारक हो। और 21 मार्च को नारोज़ आलम अफरोज़ा का जश्न है, नारोज़ आलम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और याद रहे कि मैं 9-22 मार्च रावलपिंडी मेरा क्याम रहेगा। खुशखबरी और खुशबख्ती सब के लिए है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन से मंसूब इस्मे आज़म का नक्श तोहफ़तन दस्तियाब है। और आजकल पाकिस्तान और दुनिया में हर दूसरा तीसरा शख्स ये समझता है कि उस पर जनाब नजर बाज़ है, जादू टूना है। तो एक सदियों पुराना बखोर हमने मुतारफ़ कराया है, इस बखोर को जनाब मंगवा के आप अपने घर में रोशन करें। नजर बाद असेब और जनाब हर किस्म की बीमारी, सोते में जो बच्चे डर जाते हैं, शादी की रुकावटें और हर किस्म की नागानी फातो बिलियात से महफूज रहने के लिए और कसाइशकार के लिए बखोर बेहतरीन है। इसे मंगवा के इससे फैज़याब हूँ। ये एक बेहतरीन आपके लिए रूहानी तोहफा है। जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर राबता करके इसे आप मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जंजानी एक वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम में। आज के सितारे, ये सितारे, ये काकिशां, ये फलक राह भरे राय जिंदगानी है। 21 मार्च है और रात दिन भी तकरीबन कहते हैं बराबर हो जाते हैं। और ये महीना है जनाब मार्च का, जश्न बहारा का महीना है। पाकिस्तान की यौम पाकिस्तान भी 23 को आ रहा है और इसी महीने जनाब 23 को हमारा बड़ा मुकद्दस महीना जिसको हम याद कर रहे होते हैं रमज़ान करीम की भी जनाब आमद आमद है। और नारोज़ आज जश्न नारोज़ आलम अफरोज़ भी है और इसका वक्त सुबह 2:28 का होगा। और इसके लिए जानने के लिए हम जंजानी जंतरी 2:26 पे होगा। ये वक्त जानने के लिए आप जंजानी जंतरी और का जो आईना किस्मत का ताज़ा शुमारा है हमारा, इसकी पीडीएफ फाइल मंगवा के इससे भी आप फैज़याब हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि आज जो नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा होंगे, वालदेन उनका नाम किन अल्फ़ाबेट से रखें, तो आज मंजिल मुकदम होगी ये 6:54 तक रहेगी, जिसे पूर्वा खाड़ा नक्षत्र कहते हैं। और इससे लफ्ज़ फे मंसूब है और चांद फिर इसके बाद मंजिल मौखर में चला जाएगा और जिसे उत्तरा खाड़ा नक्षत्र कहते हैं, ये अगले 24 घंटे तक। इससे लफ्ज़ तोय मंसूब है और मुनजमीन का मानना है कि चांद जिस बुर्ज में हो उनसे भी जनाब बच्चों के अच्छे से अच्छे नाम रखने बाई से बरकतें हैं। तो चांद 11:26 तक रहेगा बुर्ज दरब में। सीन शीन से स्वाद इसके अल्फ़ाबेट्स हैं और उसके बाद चांद 11:27 पे 2.5 दिन के लिए बुर्ज हूद में आ जाएगा। और इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं दाल और चे, आज जनाब हमें 4, 5, 6, 7, 8 अल्फ़ाबेट्स मिले। वक्त की मुनासबत रखते हुए बच्चों के अच्छे से अच्छे नाम रखें। अच्छा नाम रखना सुन्नत नबी सरकार द्वारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और ख़ास तौर पे जो बिटिया रानी है, बेटियाँ पैदा होती हैं उनके नाम में तो एक बहुत ही तकदस अगर हो तो बहुत ही एक अच्छी बात है। हम देखते हैं कि चांद आज बुर्ज दलव और उसके बाद भूत में आएगा। दो जोड़िक साइन की हमें जनाब आज हमें एक असरात मिलेंगे आसमानी काउंसिल के। एक तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा। और आज एक नॉलेजफुल किस्म का जनाब एक दिन है और बुर्ज हूत कबीले कायनात का मज़र माना जाता है। ये कपल जैट ट्विंस मछली हैं। तो आप अपना इंतसाब करके अपना इस हफ्ते का, इस महीने का, इस साल की प्लानिंग कर सकते हैं। बुज़ुर्गों से मशावरत दुआएँ भी आपके जनाब शामिल आ लेंगी और ज़राए आमदन में इजाफे के लिए की भी कोशिशें की गई कोशिशें भी बराबर साबित होंगी।
आज किन जॉडिक साइन के लिए अच्छा दिन है, तो आज हमें जनाब बुर्ज, सौर बुर्ज, असद बुर्ज, अकरब और दल वालों के लिए बेहतर दिन मालूम हुआ। और जो मजीद बेहतरी है ये बुर्ज जौजा, बुर्ज शुमला, बुर्ज कौस और हूत वालों के लिए, और इतिहास के लिए मैं हदिया करूँगा कि बुर्ज हमल, बुर्ज सुल्तान, बुर्ज मैदान और जद्दी वालों के लिए कदर आज एक एहतियात भरा दिन है। आगे बढ़ते हैं कि आज आसमान पे सितारों ने जनाब की आगे नजरात बना रखी हैं। आज शम्स की प्लूटो के साथ तस्दीस है, कमर की नेपचून के साथ जनाब किरान, कमर और मरीख की तरबी है और कमर और प्लूटो की तस्दीस है और कमर और शम्स का किरान है। मजमूनी तौर पे ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी अच्छी जो है नजरात हैं, अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और ये जो किरान है ये जनाब फुल शम्स व कमर जब एक नुक्ते पे आते हैं तो उसके कमर पे 24 घंटे के बाद नया चाँद निकल आता है, और ये जनाब चाँद है रमज़ान करीम का। मेरी तरफ से जो बहन भाई दुनिया भर में मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, आपको रमज़ान करीम की जनाब पेश की मुबारक हो। और रमज़ान से पहले का जो महीना है शाबान का है, तो इसकी रोज़ों की भी बड़ी फजीलत मानी जाती है कि 14 अगर रोज़े रखे जाएँ या कमो पेश भी रखे जाएँ तो एक एक रोज़ा वसीला है, निजात बन जाता है, अपनी जनाब जो रोज़मर्रा के मामला हैं उनकी तरतीब आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और अपनी रमज़ान की तैयारी के लिए भी आज एक बेहतर और भला दिन मालूम होता है। हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जनाब अच्छी खबर है लकी नंबर के मतवालों के लिए कि इनाम लकी नंबर आईना किस्मत 2023 ये छप के मार्केट में आ चुकी है, और ये छोटा सा इंसाइक्लोपीडिया है 2023 के लकी नंबर्स का। इसमें पाकिस्तान के लॉटरीज, प्राइस बॉन्ड लॉटरीज, इंटरनेशनल लॉटरीज के नंबर भी इसमें दिए गए हैं, और कब कब लॉटरी खरीदें कि इनके निकलने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएँ, और जो आपके लिए मैंने लकी नंबर निकाले हैं। अच्छा, एक माह का आईना किस्मत जो मार्च है उसमें भी आप डेमो वर्जन के तौर पे इसको मुलाहिदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक माह के लकी नंबर इसमें शामिल हैं, और जो लकी नंबर मैंने आपके लिए निकालने की सादत हासिल की है, आज का मकसूमी नंबर है 41793। आज आपके लकी नंबर हैं, नंबर्स को आप उलट पलट करके प्राइज बॉन्ड लॉटरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के एक नाम है या गनी हो, इसका नंबर है 1060। इसे आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, या गनी मिन कुल्ले या गनी, अल्लाह आपको हिम्मत दे तो 1060 दफ़ा पढ़ें, वरना 313 दफ़ा, या फिर कम भी पढ़ सकते हैं 110 दफ़ा। अव्वल आखिर जारा जरा मरता दूसरी पढ़ के जनाब परवरदिगार से दुआएं करें, अल्लाह पाक आपके रिस्क में, माल में बेपनाह इजाफा करे। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, आज के लिए इतनी इजाज़त जानी को इजाज़त दीजिएगा बशर्ते ज़िंदगी, कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।